अच्छी सुबह हो रही है। हलवा और हलवा पूड़ी के साथ, और ये है चने का सालन, और शॉर्टकट में हम इन्हीं में खा रहे हैं बिकॉज आज मुझे जाना है नोहा की वैक्सीन के लिए। और ये है पिंकी बहना जिसका आज लास्ट डे है यहाँ पे, तो ये चले जाएगी पाकिस्तान सॉरी। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने लगे हैं नाश्ता। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एना जॉर्ज। और सुबह आपको देखा होगा हलवा पूरी के साथ आज मेरी मॉर्निंग हुई है और हम जा रहे हैं नोवा की वैक्सीनेशन के लिए। और गाइस ये है मेरा हेयर कलर, आप मुझे बताएं कि कैसा है। और चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ, एक्चुअली हम किसी नई जगह पर जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पर किया हुआ है कि बस हमें आई थिंक 160 या 180 का कार्ड बनाना, उसके बाद हमें फ्री वैक्सीनेशन फुल फॉर 1 ईयर मिलेगी। और चले चलते हैं। तो यस गाइस, जाते जाते मैंने बोला मैं थोड़ा सा आपको वेदर दिखा दूँ। वेदर बहुत ही ख़राब था, बहुत गर्मी थी और अजीब सा ही वेदर था, तो ये आप देखें कैसा है। और एक्चुअली हमें ये क्लिनिक नहीं मिल रहा था बिकॉज़ हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे और लोकेशन जो गूगल मैप पे थी वो हमें बहुत घुमा घुमा के लेके गई थी, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा मुश्किल हो गई। और ये थोड़ा अंदर का था क्लिनिक का, एक्चुअली ये ज़्यादातर यहाँ पर लोकल जाते हैं और इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकी, तो कुछ अंदर से ऐसा व्यू था। एक्चुअली बहुत बड़ी जगह थी। गाइस वैक्सीन लग गई है और अभी हम वापस घर जा रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा, बस इसी तरह। और ये जाते वक्त का सीन है और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी जो एक बाइक हमारे पास से गई थी बहुत ही स्पीड में, तो आगे आप देखिए। तो यस गाइस ये है वो बाइक और इसको देखिए इतना मज़ा आ रहा था कि मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं बाइक चलाऊं। एक टाइम पे मेरा दिल था बाइक सीखने को बट नहीं सीख पाई। और ये गाइस खुदा के फजल से माय बेबी टर्न 2 मंथ्स और ये बस छोटा सा उसका केक काट रहे थे और ये मेरी सिस्टर लेके आई थी नोआ के लिए केक और नोआ बहुत ही हैप्पी था। मैं ज़रूर एक क्लिप आपको फिर कभी दिखाऊंगी बाद में नोआ के फेस के साथ। और बस इसी तरह आप अपनी दुआ में याद रखें। तो पिंकी बताओ आपको कैसा ये गिफ्ट लगा है? ये देखिए गाइस, ये नदीम ने अपनी साली को गिफ्ट दिया है बाली। और बताएं कैसा लगा है आपको? अब बताओ पिंकी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अच्छी भी बहुत लग रही है। और गाइस इस टाइम बज रहे हैं रात के कितने बजे पिंकी? 1 बजे, रात के 1 बजे और सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं, 3 घंटे रह गए हैं फिर पिंकी घर चले। अच्छा गाइस, तो मैंने आपसे वापस बात ही नहीं की, तो एक्चुअली ये नदीम ने अपनी साली को गिफ्ट दिया और मैं आप लोग को मम्मा का भी गिफ्ट दिखाना भूल गई थी जो नदीम ने दिया है, और साथ में मेरी सास मतलब अपनी मम्मा के लिए और अपनी बहन के लिए भी गिफ्ट भेजा था, दैट वाज अ रिंग, और मम्मा के लिए थी बालियाँ। तो यस फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मेरा घर पूरा खाली हो गया है बिकॉज पिंकी भी चले गई है, अभी उसकी 6 बजे की फ़्लाइट है, वो सुबह 9 बजे पहुंच जाएगी पाकिस्तान कराची। और बस इसी तरह भी वापस से मेरा घर खाली हो गया बट एक आई हैव नोआ नाउ सो आई विल बी नॉट अलोन, और मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर वो छोड़ने गए उसे एयरपोर्ट, और सिस्टर तो मेरी सीधा वहीं से घर चली जाएगी और हस्बैंड आ जाएंगे घर पर। और गाइस मैं आपसे पूछना भूल गई कि आप सबको मेरा हेयर कलर ही कैसा लगा है, इट्स लाइक समथिंग क्रेजी कलर। इस दफ़ा मैंने ट्राई किया है, इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के बाद कुछ क्रेजी कलर करूं और आई ट्राइड दिस, इतना डार्क मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। और इस टाइम रात के 3:30-4 बज रहे हैं, नोआ को मैंने खुद उठा के उसका पैम्पर चेंज करके उसको फीड करवाया अभी, और अभी बस बब लेने के लिए उठाया और बस ये सोएगा और उसके बाद हम लोग भी सोएंगे
और साथ साथ मैं पिंकी की भी अपडेट रखूँगी कि वो कब कब पहुँच रही है, क्या है क्या नहीं। और इसी तरह मैं बाहर का वेदर भी आपको दिखाती, बट अभी नो है मेरे हाथ में। बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है बाहर इस टाइम पे। और चलें गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस दफ़ा का मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। पता नहीं क्या फंबल हो रहा है, इतनी नींद आ रही है ना मुझे, इतनी नींद आ रही है बिकॉज आज सुबह से मैं उठी हुई हूँ और उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोई बिकॉज नोआ को फीवर भी हो रहा है बिकॉज ऑफ वैक्सीन, जिसकी वजह से मैं उसे अडोल दे रही हूँ। अडोल लाइक पाकिस्तानी पैनाडोल कह लो, बेबी पैनाडोल जो होती है वो दे रही हूँ, तो बहुत ही क्रैंकी हुआ हुआ है। और चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अनटिल देन मुझे और मेरे बेटे नोआ को अपनी प्रेयर्स में याद रखें। बाय, लव एंड सपोर्ट।